स्क्रीन पर एक अंतरिक्ष यात्री को अपने यान के बगल में देख रहे हैं, क्योंकि वह अंतरिक्ष या स्पेस में है जहां पर अभी कोई गुरुत्व बल नहीं है या ग्रेविटी उसको नहीं कहीं खींच रही, तो वो आराम से उल्टा लटका हुआ है बिना किसी कष्ट के, है ना? अजीब बात। ऐसे ही हम और देखते हैं एक बहुत मजेदार वीडियो जो कि जिसमें अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आपको दिख रही हैं। यहाँ उन्होंने एक बोतल से जूस पिया और छोड़ा तो फिर बोतल इधर उधर फिरने लग गई। यही बात उनके माइक के साथ हो रही है, सब चीज जैसे तैर रही है क्योंकि उन्हें नीचे खींचने वाला कोई बल नहीं है। गुरुत्व यहाँ है ही नहीं क्योंकि वो अंतरिक्ष यान में है और पृथ्वी से बहुत दूर है। अभी आप देखिए सुनीता खुद भी किस तरह से आराम से तैर रही हैं और वो चाहे तो किसी भी दिशा में अपने शरीर को कर सकती हैं। यहाँ उन्होंने कुलाटी ही खा ली क्योंकि उनके शरीर का कोई भार या वजन महसूस नहीं हो रहा है, तो है ना मजेदार बात। तो ये है अगर गुरुत्व बल नहीं होगा। यहाँ हम एक और मजेदार वीडियो देख रहे हैं जिसमें चंद्रमा पे किसी अंतरिक्ष यात्री को दिखाया गया है। चंद्रमा की सतह पर उसका किसी ने वीडियो लिया है और वो इतने आराम से कूद पा रहा है क्योंकि यहाँ पे गुरुत्व बल है तो सही, लेकिन पृथ्वी का छठा हिस्सा ही है, तो इस आदमी का जो पृथ्वी पे वजन होगा उसका खाली छठवां हिस्सा। 60 किलो का आदमी केवल अपने आप को 10 किलो के बराबर महसूस करेगा, इसलिए मजे से कूद रहा है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के इस गुरुत्व खिंचाव की वजह से चीजों का भार महसूस होता है। भार यानी वह खिंचाव जो पृथ्वी लगाती है। आलू पे ये असल में कम होता है इसलिए आलू कम वजनी दिखता है, और पत्थर पे ये ज्यादा होता है इसलिए पत्थर ज्यादा वजनी दिखता है। इसका मतलब पत्थर को पृथ्वी ज्यादा खींच रही है, आलू को कम। तो अगर पत्थर को और आलू को नीचे गिराया जाए तो क्या आलू धीमे जाएगा और पत्थर तेज जाएगा, या फिर इसका उल्टा होगा? क्या चीजों के नीचे जाने की गति उनके भार से जुड़ी हुई है? ये बात अभी हम एक मजेदार एक्सपेरिमेंट के जरिए देखेंगे। मेरे हाथ में दो चीजें हैं, एक रबर और दूसरा कागज। कागज हल्का है, उसका वजन कम है। अब दोनों को मैं एक ही ऊंचाई से गिराती हूँ और देखते हैं क्या होता है। रबर तो कप का नीचे चला गया। एक बार फिर से देखते हैं, रबर और कागज एक ही ऊंचाई से गिराए गए, रबर तुरंत नीचे चला गया। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद भारी चीजें हल्की चीजों से ज्यादा तेज जाती हैं, और ऐसा लोग पहले मानते नहीं थे, लेकिन अब कुछ और करके देखते हैं। अब की बार हम दो कागज लेते हैं और इन कागजों में दोनों बिल्कुल बराबर कागज हैं और दोनों का वजन एक जैसा है। तो अब की बार एक कागज की हम गोली बना देते हैं। वजन तो अभी उतना ही है, अब इन्हें गिरा के देखते हैं। गोली नीचे चली गई जल्दी, लेकिन कागज तैरता रहा। तो यानी इसका लेना देना केवल वजन से नहीं बल्कि उस चीज के आकार से है। बल्कि ये कागज, जो फैला हुआ कागज धीरे धीरे नीचे आता है, इसको अगर हम एक किताब पे रखें और इसके साथ ही एक दूसरा कोई चीज गिराएं, तो हमें दिखता है कि अब कागज भी साथ ही गिरता है। कागज और ये रबड़ एक साथ गिरते हैं। इसी तरह हम कोई और दो चीज लेते हैं। मान लीजिए ये हल्का सा पाइप का टुकड़ा है, ये रबड़ है। दोनों का वजन अलग है लेकिन दोनों एकदम साथ साथ नीचे गिरते हैं। यानी बात ये है कि पृथ्वी इस तरह खींच रही है कि सब चीजें एक साथ वापस नीचे आती हैं, लेकिन कागज पंख जैसी चीजें असल में धीरे इसलिए गिरती हैं क्योंकि इनके ऊपर हवा का प्रतिरोध या एयर रेजिस्टेंस काम करता है। इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो अभी हम देखेंगे।
ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार इस बात को सिद्ध किया कि सभी चीजें पृथ्वी पर एक ही गति से नीचे आती हैं। इसके लिए उसने लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चढ़कर दो अलग अलग वजन के गोले गिराए और दिखाया कि दोनों सेम गति से, एक ही गति से नीचे पहुंचते हैं। इसके ऊपर अभी हाल में किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट जो बहुत ही मजेदार है, उसमें एक कुएं जैसी टावर बना के उसमें चिड़िया के पंख और एक गेंद को नीचे गिराया गया और हम साफ देख सकते हैं कि गेंद बहुत पहले नीचे आ गई जबकि चिड़िया के पंख हवा में तैर तैर के धीरे धीरे नीचे पहुंचे। यह तो साधारण हवा के साथ हुआ, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट जब निर्वात या वैक्यूम में किया गया, उस टावर के अंदर से सारी हवा खींच ली गई, तो तब देखा गया कि कैसे दोनों चीजें, चिड़िया के पंख जितनी हल्की चीज और गेंद जैसी भारी चीज, बिल्कुल समान गति से नीचे आती हैं और एक साथ एक ही समय पर नीचे पहुंचती हैं। तो यानी कि पृथ्वी का खींचने का तरीका ऐसा है कि जो कुछ भी गति मिले किसी वस्तु को, वो गति समान होगी। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो हमें कहना पड़ेगा, गति जीरो से चालू होकर इस तरह बढ़ती जाती है कि नीचे पहुंचने पर दोनों में एक जैसी तेज गति मिलती है या फिर त्वरण समान है, त्वरण या एक्सेलरेशन समान है। केवल जो वस्तुएं जिनका बड़ा क्षेत्रफल होता है, जैसे कागज या चिड़िया का पंख, उसके ऊपर क्योंकि हवा काम करती रहती है, हवा का प्रतिरोध होता है, तो वो सीधे नीचे नहीं आते बल्कि तैरते हुए आते हैं, जबकि कोई गोली सीधे नीचे आती है, इसलिए उनमें अंतर दिखता है। लेकिन कोई भी चीज एक ही त्वरण लेती है। और पृथ्वी कैसे खींचती है? यदि किसी चीज का मास या द्रव्यमान, अगर मान लीजिए 0.08 किलो या कि 80 ग्राम है, तो उसका वेट या खिंचाव, एक जो कि बल है न्यूटन में, करीब करीब 8 न्यूटन होगा। इन दोनों के रिश्ते को यहाँ बहुत साफ देखा जा सकता है। वेट बराबर होता है मास इंटू जी। मास यानी भार बराबर द्रव्यमान इंटू जी। ये जी वो है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का त्वरण बोलते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको करीब करीब 10 भी मान लिया जाता है, अक्सर 10 मान लिया जाता है। इसका मायने ये है कि हर सेकंड में गिरने वाली वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड की गति से और तेज हो जाती है। यानी अगर पहले सेकंड में उसकी स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 9.8 मीटर चल रही है वो, तो दूसरे सेकंड में 9.8 प्लस 9.8 हो जाएगी, यानी डबल स्पीड हो जाएगी। तीसरे सेकंड में स्पीड और बढ़कर 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी तिगुनी हो जाएगी, और हर सेकंड में स्पीड बढ़ती 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 वो तेजी से नीचे आती हैं। लेकिन स्पीड में ये जो बढ़ोतरी है, जिसे हम त्वरण कहते हैं, त्वरण या एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, वो बिल्कुल बराबर रहती है। और पृथ्वी इस तरह खींचती है कि सबको यह त्वरण या एक्सेलरेशन बिल्कुल बराबर मिले। जी हर चीज के लिए बराबर होता है। तो भले ही हाथी भारी हो और चूहा कम, पृथ्वी हाथी को ज्यादा बल से खींचेगी, कहीं ज्यादा बल से, क्विंटलों के बल से, और चूहे को कुछ ग्राम। लेकिन जब अगर दोनों को गिराया जाए तो दोनों एकदम समान स्पीड से नीचे आएंगे, एकदम समान समय पर आएंगे, क्योंकि पृथ्वी इस तरह खींच रही है। हर किलो पर आप इसे मान सकते हैं कि वो बराबर खिंचाव लगा रही है। एक किलो पर जितना, 3 किलो पर उसका तिगुना। और वो भार कैसे भी, वह द्रव्यमान कैसे भी फैला हो, हर एक किलो पर बराबर खिंचाव है, जिसकी वजह से सब चीजों पे खिंचाव तो अलग अलग है, लेकिन वो सब एक ही
त्वरण से एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आती हैं, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जानते हैं। यानी सब चीजें बराबर गति से गिरती हुई, गति तेज करती 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 नीचे सेम बिल्कुल एक ही समय पर साथ साथ पहुंचती हैं, यदि हवा का गतिरोध नहीं हो। ऐसी चीजें जिनका सतह का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, उन पे हवा का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, उसका अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन पंख या कागज जैसी चीजों पर यह बड़ा हो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे आती है।